तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड डीएम इंटरनेशनल लिमिटेड को लेकर के। और इसी स्टॉक के अंदर अगर आप देखें, काफ़ी शानदार ये स्टॉक ना, ये इनका सपोर्ट जोन रहता है 124 का, और इसने हाई लगाया 100 सपोर्ट। देखो हमेशा कुछ टाइम बाद ये 140 का हाई लगाया। अगर इस स्टॉक के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही परफेक्ट पॉइंट रहता है ये वाला सपोर्ट रहता है, और यहाँ से आपको हमेशा 12% रिटर्न बना करके देता है मात्र कुछ ही दिनों में। अगर हम देखें तो ये स्टॉक 8 सितंबर 2023 और फिर इस बार 11 अक्टूबर, एक एक महीना पे अपना 12% रिटर्न निकाल के देते रहता है। और जब लास्ट महीना चल रहा हो, लास्ट वीक चल रहा हो, ठीक है, उस दौरान अगर आप एंट्री लेते हो, डेफिनेटली आप बहुत कम समय के अंदर अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। 9 और 8 के बीच में ही अच्छा रिटर्न बना करके निकाला है ये स्टॉक, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए। अगर इनका हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करें, ट्रेड तो ये निकल करके आ रहा है, ठीक है, इनका सपोर्ट 128 रुपये का प्राइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ही पहले से सपोर्ट की तरह काम करता आया है। अगर इस लेवल को तोड़ता है ये स्टॉक, फिर इसके नीचे ये इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 121 रुपये के प्राइस। तो हम यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं अपना ट्रेड लाइन सपोर्ट, तो 127 और 124 का अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस स्टॉक को इधर कहीं अपने नज़रों में बना करके रखा जा सकता है। अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाने के बाद स्टॉक ना, अगर आप देखें 2023 में, 2023 अगर मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए, काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को बना करके दिया ये स्टॉक। देखो 2020 जून में ये अगर 16 रुपये के प्राइस में हुआ करता था, फिर यहाँ से स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया 235 का, यानी 1369% रिटर्न लोगों को बना करके दिया। उसके बाद स्टॉक अंदर गिरावटें हुई, वो गिरावट कितने परसेंट का होगा, वो गिरावट हो गया लमसम 48% का, ठीक है। अभी ये इसी रेंज में कंसोलिडेटेड है कर रहा है स्टॉक, और एक रेंज क्रिएट करके अपने सपोर्ट पे ही सपोर्ट लेकर के अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग चल रही है इस स्टॉक के अंदर। वही चीज़ अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो काफ़ी अच्छा स्विंग ट्रेड करने के लिए हो रहा है, ठीक है। अगर स्टॉक अंदर इतना गिरावट हो गया, अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने नज़रों में बना करके रख सकते हैं, बट कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोस्तों शॉर्ट टर्म में आप 13 से 14% रिटर्न ले सकते हो इस स्टॉक के थ्रू। दोस्तों उससे पहले बता दो कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आप बाय और सेल करते तो आप अपने रिस्क पर बाय और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह लेकर बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके, अगर कोई स्टॉक हो उसके डिटेल एनालिसिस करने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है भाई ये स्टॉक पर मुझे एनालिसिस चाहिए, ठीक। लेकिन ये जो वीडियो बनेगा ना, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ आपके लर्निंग के लिए होगा, ये ना कि तुरंत गए और भाई ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खुद लर्निंग कीजिए, और उसके बाद जब नॉलेज हो जाए, मतलब बोलने का ये इन सेंस ये है, जब भी आपको लगे कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग ना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी, आपके हिसाब से, उस दौरान आप क्या कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के डिस्कशन करके आप एंट्री बाय और सेल करके चल सकते हैं, बट ये नॉलेज हम एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो अगर हम देखें तो ये स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है एक लाइन पे, और चलते हम लोग कहाँ, तो आ गए हम लोग कहाँ, फंडामेंटल की तरफ। और देख सकते हैं स्टॉक का फंडामेंटल, स्टॉक फी के हिसाब से ये स्टॉक क्या है, बिल्कुल अंडर वैल्यू है, सस्ते पर बैठ रहा है। स्टॉक फी इस हिसाब से बिल्कुल अंडर वैल्यू है स्टॉक, तो स्टॉक पी के हिसाब से अंडर वैल्यू है, और इंडस्ट्री पी के हिसाब से थोड़ा सा महंगा बोल सकते हैं 29 है, और प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है, डिप्ट है,
मात्र 2 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, 56 करोड़, मतलब डेब्ट फ्री कंपनी है, कर्ज नाम की चीज़ नहीं है और प्लस परसेंटेज बिल्कुल जीरो है। कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग गिरी हुई नहीं देखा गया है। यहाँ ROC ROE भी देखा जाए दोनों ही बेहतर है, 15 से दोनों ही एवव है, ऊपर हैं, तो ये प्लस पॉइंट हमारे लिए। कंपनी आपको बहुत अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है, अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो फिर आप इनका बेनिफिट आराम से उठा सकते हो। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पर, देखते हैं क्या है कंपनी की परफॉर्मेंस। तो ये कंपनी डायमंड सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर की स्टॉक है। अगर जून वाले क्वार्टर में देखें तो 22 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, इस जो 22 जून वाले क्वार्टर है ना, पिछले जून की क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें 2023 और 22 में, ये रहा 2022 का, अब ये है 2023 का जून, 22 करोड़ पहले 26 करोड़, तो कहीं ना कहीं सेल्स डाउन हुई है, कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हुई है, जिस वजह से जून वाले क्वार्टर 2023 में थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें मिल रहा है। अगर हम देखें क्या नेट प्रॉफिट कैसा है, 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और ये मार्च दिसंबर सितंबर जून, तो पिछले साल जून की अपेक्षा थोड़ा सा डाउन ही परफॉर्मेंस है। तो जो अगर हम लोग देखें ईयरली बेस परफॉर्मेंस क्या रहता है, तो TTM में देखने के लिए मिल रहा है 100 करोड़, और 2023 में 104, 2022 में 130, 2021 में 78। जब तक देखो कंपनी ना लगातार इतना हाई परफॉर्मेंस करके दिखलाती हुई आ रही, शुरू से ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का 2023 तक, लेकिन 2023 में जून वाले क्वार्टर का रिजल्ट उतना बेटर नहीं आया है। नेट प्रॉफिट एक बार चेकआउट कर लें तो नेट प्रॉफिट को अगर देखा जाए तो 2023 नहीं 2022 में ही प्रॉफिट अच्छी लाई, 2023 में थोड़ा सा डाउन हो गया नेट प्रॉफिट। और ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि कंपनी के पास अदर्स इनकम भी आ रहा है। ठीक है, 7 इंटरेस्ट अगर हम देखें कंपनी पर 27% का इंटरेस्ट लगाने की वजह से भी प्रॉफिट डाउन हुआ है नेट प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें हैं, सत्ताईस परसेंट टैक्स लगा है कंपनी के ऊपर, 7 डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट तो जीरो ही रहा है, अदर्स इनकम भी आए हैं, 117 करोड़ हुआ था बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन सब काटने के बाद टैक्स निकालने के बाद ही 85 करोड़ में आ चुका अपने प्रॉफिट को झेलते हुए। तो बस यही है कंपनी के ना, टैक्स में पैसे चले गए थे जिस वजह से कंपनी को लॉसेस, मतलब कंपनी पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम प्रॉफिट हुई, 2022 की अपेक्षा 2023 में कम प्रॉफिट हुई टैक्स की वजह से, और कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है TTM में जून वाले क्वार्टर में। तो ये एक आपको ये बोल सकते हो कि अगर एंट्री लेना है तो अपने नज़रों में स्टॉक को बना के रख सकते हैं, लेकिन और भी क्या चीज़ें हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम देखें सितंबर वाले क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है, मतलब आपको क्वार्टरली रिजल्ट को फॉलो करना है और आपको देखना है कि कब आ रहे क्वार्टरली रिजल्ट, उस दौरान आप अपनी एंट्री बना करके चल सकते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट बेटर आते हैं इस पिछले की अपेक्षा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हो कि हाँ परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, तो जाहिर सी बात हम एंट्री लेकर के चल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कामकाज किया जा सकता है इस स्टॉक के साथ। बाकी अगर प्रमोटर की होल्डिंग ना अप से ना डाउन हुए हैं, 66% की होल्डिंग तभी भी थी 2020 में भी, अभी भी सेम होल्डिंग से 33% की होल्डिंग पब्लिक के पास, अभी भी पब्लिक के पास उतना ही होल्डिंग है, पब्लिक के अंदर कुछ परसेंट इंडिविजुअल्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हम देखो स्विंग ट्रेड करने के लिए 12% की रिटर्न आराम से आपको दे देगा, सपोर्ट के पास बाय करो और HTMS ले सेल कीजिए, और लेकिन ये 12% की रिटर्न 1 महीने का अंतराल में होता है, तो आप लास्ट वाले वीक में, 1 महीना जब कंप्लीट होने वाला हो उसका लास्ट वीक में सपोर्ट के पास दबोच सकते हो। ठीक, अपनी नज़रों में रख के रख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, जैसे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना है ना, तो ये और फार्मूला क्या कि जैसे हमने स्विंग ट्रेड किया 12%, ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे अपनी कैपिटल को निकाल देंगे, प्रॉफिट छोड़ देंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ऐसे कुछ कामकाज करके भी हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आप करंट प्राइस में एंट्री करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो कैसे करके चल सकते हैं, कुछ पैसा हम डालेंगे करंट प्राइस में, लेकिन
और कुछ पैसा बचा कर रखेंगे, अगर स्टॉक करेक्शन होता है या फिर किसी भी रीजन की वजह से स्टॉक नीचे गिरता है, उस रन हम री एंट्री करने के लिए, ताकि अगर आपको गिर रहा ना, आपका अपने जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया उसका 10%, हर 10% के गिरावट में इन्वेस्टमेंट करें तो काफ़ी अच्छा कैप्चरिंग पॉइंट भी बन जाएगा, बाइंग प्राइस भी हो जाएगा, और स्टॉक जब भी अप लेवल से दिखलाएंगे तो अच्छा रिटर्न बना करके देंगे। लेकिन सितंबर वाले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आने के बाद ही ऐसा कुछ करना बेटर रहेगा। वैसे स्टॉक पी के हिसाब से स्टॉक सस्ता हो गया, बहुत सस्ता हो गया है। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस में आया रहना कि बाय और सेल करने के लिए, अगर बाय और सेल करते तो आप अपने रिस्क पर बाय और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर बाय और सेल कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं।